हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मौसम देख रहे हो, सुबह का टाइम है, 6:15 हुए हैं। हम तैयार हो चुके हैं हल्द्वानी के लिए। तो बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज जा रहे हैं हम हल्द्वानी पुष्कर धामी जी से मिलने। ओ तो गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, थोड़ी महिलाएं आ चुकी हैं, थोड़ी आने वाली हैं। पूजा को बहुत ठंडा हो गया है, इतने सारे कपड़े पहन के आई हैं। गुड मॉर्निंग से बहुत आगे चले गए हैं हम। गर्म पानी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग है अभी वैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इनको भेजते रह रहा हूँ। तो सब महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हो, सारे लोग पुष्कर धामी जी मंदिर से। तो हम आ चुके हैं हल्द्वानी, बस से उतर चुके हैं। बहुत अभी खो गई थी पूजा, हल्द्वानी में जाते ही खो गई थी। और घेरे में देखो कितने अच्छे, तो आगे से घेरे में बहुत अच्छी तरह थोड़ी कर रो। सारे जहाँ से अच्छा ये सुंदरता को देखो, तुम के सुंदरता को अच्छा लग रहे हो, अच्छा लग रहे हो, बहुत सुंदर। हम नैनीताल, अरे रुक गए, दीदी वीडियो वीडियो किन्नी कराने ये चीज आगे देखियो, सब काम कर और खाने का किट भी मिल गया, बाकी साथ में चेयर भी मिल गई हमें। मेरा निवेदन रहेगा जहाँ पे पांडवाज ग्रुप कमाल की परफॉर्मेंस के लिए, जहां पे आपको बताया गया कि ये उत्तराखंड मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं, हमारी मातृभूमि है। मैं निवेदन करूंगा हमारी मातृशक्ति से एक बार फिर से कि बीच में जो लाल कलर की आपको कुर्सियां दिख रही हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उनमें सबसे पहले वहां पे बैठना शुरू करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह बिस्ती जी, दोनों महामंत्री आदरणीय नवीन भट्ट जी, आदरणीय निरंजन बरगली जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य जनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं हमें इस जिले का प्रतिनिधित्व कर रही है जिले की जिला पंचायत उपाध्यक्ष मातृशक्ति के रूप आग्रह करूंगा आप हम सब के मध्य में अपना संबोधन रखेंगी। बेला तोलिया जी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर आज के इस ईजाबेणी सम्मेलन में हम सब के मध्य में इस शहर के प्रथम नागरिक सीखो और यके हमें अपन जीवन में उगे अप्लाई करण छू। तो ये बात है ध्यान धरिया, नना नान नंतिन ले यहाँ आ रही अपन प्रदर्शनी लीची। तो
तुम देखण छा दूसरे स्टेज में हमारे लोक गायक लह रही अब उन कला प्रदर्शनियां वो कराल एलबटी थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रभारी मंत्री जी और बाकी बहुत सारे गणमान्य जन हमारे बीच में मौजूद होंगे। आप लोगों से बातचीत भी होगी, आप लोगों ने जो अपने जीवन में हासिल किया है अच्छे उदाहरण पेश किए हैं उनका सम्मान भी यहाँ पे किया जाना है, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में आ रहे हैं, पैदल चलते हुए पेश करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से महोदय और बाकी जितने हमारे गणमान्य जन है उनका आप अपनी जगहों पे खड़े होके जोरदार तालियों के साथ में जब वे भीतर अभिवादन कर रहे हैं। ये ईजावेणी का महोत्सव हमारी की एकता का लोकार्पण शिलान्यास होना है, तो ये हम सब लोगों के लिए एक अभूतपूर्व पल है, एक ऐतिहासिक पल जिसको हम सब लोग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं, उसके साक्षी बने हैं आप ही हमारी ईजा और बैणी। तादाद पे आप नैनीताल जनपद के हर ग्राम सभा से हर ब्लॉक से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की मातृशक्ति किस तरह से खुद को सशक्त कर रही है, सभी ब्लॉक से आप पहुंच चुके थे हजारों की तादाद में और ये हमारी मातृशक्ति सफलताओं का एक जीता जाता बताया और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं ईजा बैणी के चेहरे में पैकिंग नहीं होगा, दूसरी थाली ले दो तो पैकिंग नहीं होगा कह रहे हो। मुख्यमंत्री को लेके आए थे, लगे हैं बाहर अरे खुलो तो मस्त ना भैया, अरे दो दी जाए यार। मैंने का एक पेड़ है ले लिया है ईजा बैणी महोत्सव से क्या मिला बस सब काम आएंगे फिर हमें यही पसंद आया और तो कुछ पसंद नहीं आया, बहुत मेहनत का सामान है यहाँ पे वैसे भी तो एक एक धनियाकोट के सड़क पर पहुंचने वाले हैं, केवल 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, 6 किलोमीटर दूर है यार, एक ही नहीं है यार, एक अपने घर हम अपने घर भगवान तो गुरजी गेट पे आ चुके हैं, थोड़ा सा सफर हमारा बाकी है, उसके बाद जाते हैं घर। घर क्या क्या होता है आपको दिखाते हैं, बहुत कीचड़ वीचड़ हो रहा है घर, तो अंधेरा काफी हो चुका है, सबको नींद आने लग गई है, सबको हरियाणा
जितने भी यात्री हैं इसमें यात्रीगण सब सो चुके हैं, कोई सब यात्रीगण सो चुके हैं, केवल हम दो चार महिलाएं हैं जो हम नहीं सोए पूरे रास्ते भर, बाकी यात्री लोग जगे हैं, जो गण लोग हैं वो सो गए हैं, बाकी हम ही लोग हैं कुछ जो नहीं सोए थे, कुछ लोग हैं कौन है, कुछ लोग हैं नहीं सोए थे, भले ही हम गर्दे भी ताल दीजिए दीदी, लेकिन हम जागते रहो, गर्दे भी सांस जरूर दिलाओ, काली अमूल बजाइए कान अमूल दिए गर्दे भी नहीं लेके हम क्या करो। तो गाड़ी बहुत आप पीछे वाले सीट पे बैठे हैं, हम ताल के गेट में पहुंच गए, उसे पार हो गए हैं, हो गए ताल के गेट पार, जय हो जय हो, अभी आ गए हैं हम मर गए, भगवानी से घर आ गए हैं, सभी लोग आ गए थे, सब टाइम पे घर को चले गए हैं, उसके बाद मैंने चाय बना के चाय पी ली है, अभी अब थकान जैसी हो रही है, खाना बनाने का मन भी नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के पुष्कर जी धामी आए थे ईजा बैणी महोत्सव कार्यक्रम में, तो बहुत अच्छा लगा, रूबरू उनको आमने सामने देखा, आज तक टीवी में देखा था लेकिन आज फेस टू फेस देखा, अच्छा लगा। और बाकी जनता की कहें तो उत्तराखंड की जनता का तो क्या कहना, बहुत जनता हुई थी वहाँ पे, अच्छा भी लगा था, व्यवस्था ने भी मतलब बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, तो अच्छा लगा। इसी के साथ हम वीडियो बिन करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, मैं दीपा जलाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।